सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं कि आप अपने हैमस्टर को ड्राई बाथ कैसे दे सकते हैं। कई लोग हैमस्टर्स को बाथ देने का ट्राई करते हैं क्योंकि हैमस्टर्स में से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्मेल आती है उनके यूरिन की, उनके अंदर के ऑयल्स की, तो इसलिए कई लोग उनको नहलाने की कोशिश करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पानी यूज कर लेते हैं, साबुन यूज कर लेते हैं। तो उसके चक्कर में क्या होता है, हैमस्टर बहुत जल्दी सिक हो जाते हैं। हैमस्टर जो होते हैं वो बहुत जल्दी कोल्ड कैच कर लेते हैं, तो उससे उनको बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो वो एक बहुत ही रिस्की चीज़ है, बट फिर भी अगर आप अपने हैमस्टर को नहलाना चाहते हैं एक सेफ मेथड से, तो वो मेथड मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। इस मेथड को कहते हैं बेथिंग सैंड मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, ये एक बेथिंग सैंड होती है, इस तरह की बेथिंग सैंड हमको अमेजोन पे आराम से मिल जाएगी, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है कुछ ये। इस बेथिंग सैंड में बेसिकली ये क्या करता है कि आपके हैमस्टर की जो फर होता है उसके अंदर जाके उसके अंदर के जितने भी ऑयल्स होते हैं, स्मेल होती है, डर्ट होती है, वो सबको एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने अंदर ले लेता है। तो उससे आपका हैमस्टर जो होता है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो बेसिकली आपको हैमस्टर को अब बात आती है कि नहलाना चाहिए या नहीं नहलाना चाहिए। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मंथली एटलीस्ट एक बार अपने हैमस्टर को जरूर जो है ड्राई बाथ दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये है मेरा हैमस्टर, ये डॉफ हैमस्टर है। इसको आज मैं बाथ देने जा रहा हूं, तो आपको पूरा प्रोसीजर बता दूंगा आपको इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको एक इस तरह का वेसल ले लेना है जो दिखने में थोड़ा इस तरह का हो। अगर आपके पास इस तरह का वेसल बिल्कुल ही अवेलेबल ही नहीं है घर पे, तो आप अमेजोन से भी हैमस्टर बाथ के टब्स आते हैं वो आप मंगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस तरह का वेसल है तो हम इसको यूज कर रहे हैं। अब इस तरह की ये सैंड होती है, ये सैंड का आपको पूरा पैकेट तो नहीं डालना है, मैं इसको इस पैकेट को ऑलरेडी काफी बार यूज कर चुका हूँ। इसमें अपनी एक फ्रेग्रेंस भी होती है जो और ज्यादा आपको हेल्प करती है आपके हैमस्टर को स्मेल निकालने के लिए उसके अंदर से। ये आप देख सकते हैं मैंने इतनी कुछ क्वांटिटी इसमें ले ली है, ये करीब मेरे हिसाब से मैक्सिमम 1 इंच होगी, 1.5 इंच होगी। इतनी सैंड आप ले लीजिए जिसमें आपका हैमस्टर जो है वो आराम से अंदर तक जा सके और इसके अंदर बाथ ले सके। आपको एक स्पून की भी जरूरत पड़ेगी, अगर आपका हैमस्टर बाथ नहीं ले रहा है तो कुछ पर्टिकुलर जगह होती हैं जहां पे आप स्पून की हेल्प से सैंड को डाल सकते हैं, तो वो उससे आराम से क्लीन हो जाएगा। तो मैं आपको अपने हैमस्टर को बाथ देके दिखाता हूँ। तो अब ये आप देखिए मैंने अपने हैमस्टर को इस सैंड बाथ में रख दिया है। अब आप देखेंगे आपका हैमस्टर शुरू शुरू में आपके इसको एक्सप्लोर करेगा और थोड़ा थोड़ा उसको अपने मुंह में भी लेगा, तो आपको उसमें इतने घबराने की बात नहीं है कि अपने मुंह में ले रहा है, वो उसको बाद में मतलब थ्रू कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं कि वो उसको इंजेस्ट कर रहा है। और अगर ये इस सैंड को स्मॉल अमाउंट्स में इंजेस्ट भी करेंगे तो ज़्यादा इशू नहीं आएगी। आप इस तरह से हल्का हल्का अपनी बॉडी पे डाल सकते हैं अगर ये खुद नहीं ले रहे हैं बात। तो आपके हैमस्टर को इसमें आदत डालने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं अपने दूसरे हैमस्टर को तो काफ़ी टाइम से बात दे रहा हूँ, इसको मैंने अभी न्यूली देना शुरू करा है, करीब 2-3 महीने पहले शुरू करा है, तो इसलिए अभी इसको उतनी आदत नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से भागता भी है। तो आप जब भी ऐसा प्रोसीजर करेंगे तो प्लीज़ आप नीचे न्यूज़पेपर या फिर कोई भी शीट रखिए जिससे कि ज़्यादा गंदगी ना मचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं, बाद में आपको इनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप इस तरह की पूरी बॉडी में डाल दीजिए, आईज़ में थोड़ा सा प्लीज़ आप आईज़ में और नोज़ में इसको अवॉइड करिए डालना, क्योंकि आँखों में जाएगा तो उनको इरिटेशन हो सकती है और अगर नोज़ में जाएगा तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसको बाकी फर में डालिए। आप देख सकते हैं अपने आप ही अपने आप को ग्रूम कर रहा है इसमें। सो बाथ के बाद मेरा हैमस्टर कुछ इस तरह का दिख रहा है, आप देख सकते हैं इसके कलर्स कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, कितने ज़्यादा ब्राइट लग रहे हैं पहले से। तो आप भी चाहें तो अपने हैमस्टर को वंस इन अ मंथ या फिर ट्वाइस अ मंथ इस तरह नहला सकते हैं अगर आप चाहें तो, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आपको कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आपको इस तरह की सैंड बाथ खरीदनी है तो उसका अगर आपको लिंक चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।